हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा JBL Live 500 BT का फुल रिव्यू, क्योंकि इसको मैं ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है यूज़ करते हुए, और एक हफ्ते में इसके मैंने सारे एस्पेक्ट्स को टेस्ट कर लिया है। और अगर आप लेना चाह रहे हैं, क्या है इसमें, पूरा रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप लेने वाले हैं तो पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी कि इसके बारे में, क्योंकि मैं ऑडियो इक्विपमेंट्स में JBL, सोनी, बोस, ऐसे सभी चीज़ें टेस्ट करता रहता हूँ, बिकॉज आई एम ऑडियो फाइल, आई लव गुड क्वालिटी म्यूज़िक। तो मैं तलाश में रहता हूँ अच्छे इक्विपमेंट्स की, तो उसी में मैंने तलाश करते हुए ये ढूंढे थे, सर्च किया था, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने लिए थे। लेकिन खाली रिसर्च से बात नहीं बनती जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करते हैं। तो इसमें आपको पूरे इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स और इसके नेगेटिव कुछ एक दो हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, फुल रिव्यू है JBL लाइव वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स का। तो स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी वाइज बिल्ड सबसे पहले आती है दिखने में, एंड बिल्ड इसकी अच्छी है दिखने में, और आपको मतलब ड्यूरेबल, ये भी कप्स भी इसके सॉफ्ट हैं, एंड कुशन दिया हुआ है यहाँ पर बहुत हल्का सा। इसको मैं अगर कंपेयर करूँ अपने सोनी के जो 650 XDR जो थे उनके मुकाबले, सच बोलना है इनका कंफर्ट उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कुशन है वो इतना अच्छा नहीं है। इट्स लिटल बिट ऑफ हार्ड फाइबर दिया हुआ ताकि थोड़ा पसीना वगैरह कोई सोख ले, बट वो इतना पसीना आपको कहाँ आएगा, क्योंकि ये आपके स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये हेडफोन्स लेना चाहते हैं कि आप ये पहन के जिम जाएँ तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जिम वालों के लिए ये हेडफोन्स कहते ही नहीं है। बाकी कैजुअल यूज़ के लिए जैसे हम करते हैं ड्यूरिंग ट्रैवल एंड वो, और जैसे मैं यूज़ करता हूँ तो उसमें आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन कंफर्ट लेवल ऑन हेड थोड़ा टाइट फील करते हैं क्योंकि ये ऑन ईयर हैं। तो अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तब आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी इन्होंने प्रॉब्लम करी है थोड़ी सी। जब इसको यहाँ लगाते हैं तो वैसे कप पे बहुत अच्छा आपको फील मिलता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा ये देख रहे हैं ये इसको कवर करता है, तो इसको करने के लिए आपको थोड़ा स्पेक्ट्स को थोड़ा या तो एडजस्ट करना पड़ेगा या अपनी स्पेक्ट्स उतार के इसको सुने, और कोई दिक्कत नहीं है इसकी बिल्ड और फील में। अब सबसे बड़ा फैक्टर इसमें है साउंड का, साउंड इसकी गजब है, फोड़ू मतलब कोई भी वर्ड नहीं है मेरे पास इसकी साउंड के बताने में। मैंने बोस के भी टेस्ट किए हुए हैं, बोस को भी इसने जवाब दे दिया इसकी साउंड, जो सिग्नेचर साउंड की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, उसके लिए एक चीज़ है, आपको JBL हेडफोन की ऐप ज़रूर डाउनलोड करनी है, क्योंकि इसमें कोई इक्वलाइज़र नहीं है एज सच, जैसे बेस, ट्रैवल या कुछ भी आपको पसंद है फ्रिक्वेंसी पर सुनना गाने, तो वो इसकी जो JBL की डेडिकेटेड ऐप है फ्री है, दोनों एंड्रॉयड पर भी और iOS पर भी, वो ज़रूर लें, उसकी मदद से आपको इसको आप सेट कर पाएंगे। तो साउंड के मामले में बेस अच्छा है, ट्रेबल भी अच्छा, सारे नोट्स बहुत क्लैरिटी से आपको, जो सिग्नेचर साउंड की बात होती है तो उसमें पूरा खरा उतरता है। और जहाँ तक बात है इसकी बैटरी की, बैटरी बहुत ज़बरदस्त है, 30 घंटे की बैटरी है जब से मैंने लिया है, एक बार चार्ज किया था पहले दिन, अब तक चल रहा है, और आई थिंक अभी 60-70% बैटरी इसकी पड़ी है। मैं रोज़ दो तीन घंटे इसको यूज़ करता हूँ, सो इट इज़ गिविंग गुड बैकअप। अब इसके स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्मार्ट फीचर्स में इसके लेफ्ट साइड में ये जब आप पुश करते हैं इसको तो एक ये बटन है बेसिकली लेफ्ट साइड में जो है ना ये JBL ये पुश होता है, और यहाँ पर आपको एक जो ट्राइंगल दिया हुआ है इसको जब पुश करते हैं तो टच सेंसिटिव सा है ये बटन, प्रॉपर बटन भी नहीं है क्लिक वाला, टच सेंसिटिव सा लगता है। जब आप 5-6 बार इसको यूज़ कर लेंगे तो आपको लोकेशन पता लग जाएगी, तब इसका अलेक्सा और गूगल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो आपकी चॉइस है। अगर आप अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं तो वो उससे अटैच हो जाएगा ये, अगर आप अलेक्सा यूज़ करना चाहते हैं तो अलेक्सा से अटैच हो जाएगा। तो करना क्या, एक बार उसको आपने डाउनलोड करके मोबाइल में इसके साथ कनेक्ट कर लेना है फर्स्ट टाइम, उसके बाद जब भी आप चाहते हैं अलेक्सा को यूज़ करना अपने मोबाइल में अलेक्सा ऑन रखें बस, उसके बाद यहाँ से आप टच करेंगे तो अपने आप ये अलेक्सा आ जाएगी और आपसे जो भी करवाना है, गाना लगवाना है, एनीथिंग विच यू वांट अलेक्सा टू डू शी विल डू ऑन कमांड फ्रॉम योर हेडफोन।
तो उस पर अगर आप चाहते हैं कैसे सेटिंग करनी है, कैसे मैंने सेट किया, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट फॉर श्योर। तो कैसा है वो फीचर? वो अच्छा है, थोड़े कन्वीनियंट है, आपके कमांड्स को ये अच्छे से सुन लेती है, मतलब एलेक्सा आपको अच्छे से हैंडल कर पाता है, तो दैट इज़ ग्रेट फीचर। एंड जहाँ तक इसके जो एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, जो कि एक एम्बियंट साउंड वाला फीचर है और एक है टॉक थ्रू वाला फीचर, वो काफ़ी मुझे पसंद आया। तो उसमें क्या है, दिक्कत उसमें ये है थोड़ी देर बाद, क्योंकि इसमें बटन्स हैं आवाज़ ऊंचा नीचे करने के, और जो एम्बियंट साउंड और टॉक थ्रू वाला एक ही बटन है यहाँ पर ब्लूटूथ के ऊपर। तो थोड़ा जब आप यूज़ कर लेंगे तब आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि लोकेशन कहाँ है, क्योंकि पहनते हुए आपको पता नहीं लग सकता, थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो इसके इस साइड है, जब वो दबाते हैं तो पहली बार प्रेस करने पे इसका टॉक थ्रू एक्टिवेट हो जाता है, मतलब आपको दूसरे की आवाज़ सुनती है और यहाँ पर माइक से वो एम्पलीफाई होकर आपको सुनती है हेडफोन में। और तीसरा इसका है एम्बियंट साउंड। एम्बियंट साउंड में क्या होता है कि इसका साउंड लेवल कम हो जाता है, तो आपको बाहर की आवाज़ भी सुनने लगती है। तो ये फीचर थोड़े आपके बाहर वाले लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, या फिर आप और उनको डिस्गाइज करना चाहते हैं कि आप गाने सुन रहे हैं, एम्बियंट फीचर में है तो आपको सारी बातें उनकी सुनेंगी। और लास्ट फीचर नॉइस कैंसिलेशन कैसी है इसकी। नॉइस कैंसिलेशन मैं क्लियर कर दूं, ये नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स नहीं हैं, उस लेवल पे जाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें जो आपको रिस्पांस है, मतलब नॉइस कितनी रिड्यूस होती है, 90% तक ये रिड्यूस कर देता है नॉइस, 100% नॉइस कैंसिलेशन नहीं होती है इसमें। तो किन के लिए ये फ़ोन हेडफोन्स हैं, अब मैं समरी कर रहा हूँ। कंफर्ट के मामले में 10 में से इसको मैं 8 दूंगा, साउंड के मामले में 10 में से 10 दूंगा, बेस के मामले में 10 में से 10 दूंगा, और बाकी नोट्स के मामले में 10 में से 10 दूंगा, बैटरी के मामले में 10 में से 10 दूंगा, ओवरऑल इसको 10 में से 9 पॉइंट्स में दे रहा हूं। और ये हेडफोन्स किन के लिए हैं इस रेंज में, ये हेडफोन्स उन्हीं के लिए हैं जो एक प्रीमियम बोल रहा हूँ वॉज प्रीमियम साउंड चाहते हैं, इसमें आपको बेस अच्छे से मिले। यही नहीं है कि भाई धड़धड़ हो रही है कान में और कोई नोट्स नहीं सुन रहे, आपको इसमें बेस के साथ दूसरे नोट्स भी बहुत क्लैरिटी से, एक एक इंस्ट्रूमेंट क्लियरली सुनेगा, सिग्नेचर साउंड ज़बरदस्त है। तो ये उनके लिए हेडफोन। और जो नॉइस कैंसिलेशन 100% चाहते हैं तो वो मत लें, वो आपको चाहिए तो इससे अबव लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, इस रेंज से अबव लेवल पे, तभी आपको 100% नॉइस कैंसिलेशन मिलेगी। इसमें नॉइस कैंसिलेशन अप टू 90% मैं कह सकता हूँ आपको मिल जाती है। फुल साउंड आपने कर रखी है कान में तो आपको 100% कुछ नहीं पता लगेगा बाहर का, लेकिन 100% नॉइस कैंसिलेशन में नहीं है। बाकी ओवर द ईयर रिस्पांस और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, बेस रिस्पांस, बाकी बहुत अच्छा है। सो आई विल रिकमेंड दीज हेडफोन्स फॉर योर ट्रैवल, बिकॉज ये फोल्ड होकर अच्छे से आपके पैक हो जाते हैं, तो सब कुछ इसमें अच्छा है। तो होप आपको अच्छा लगा रिव्यू। कोई भी आपका क्वेश्चन है JBL हेडफोन से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और लिंक मैंने दे दिया परचेज के लिए, तो इसमें इधर से परचेज करेंगे तो चैनल को मदद मिल जाएगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू।